हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, हम लोग एक फ्रेम पर अभी दो यूट्यूबर बैठे हुए हैं। आप लोग इससे पहले तो वीडियोस देख ही लिए होंगे सर का पॉडकास्ट वगैरह। तो अभी हम लोग दोस्तों एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है। Exactly, आज बहुत, के डेट पे बहुत ज्यादा सीरियस। आप लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे आज के डेट पे काफी सारे कोर्सेज सेल होते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट का हो जाए या फिर आपका ब्लॉग से रिलेटेड हो जाए। यूट्यूबर भी कोर्स बना रहे और यूट्यूबर भी आज के डेट पे यूट्यूब कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है कि आप ये कोर्स खरीद लो आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। उनका कहना इनडायरेक्टली यही रहता है, उनका कहना बल्कि ये रहता है कि आप ये कोर्स खरीद लो, यूट्यूब से मैंने करोड़ों कमाए, आप भी कमा लो। हाँ, यही रहता है। एग्जैक्टली यही। और वो अर्निंग भी दिखाते हैं, लाइफ टाइम अर्निंग दिखाते हैं कि मैंने इतना कमाया, आप भी कमा लोगे। मैंने भी कमाया, मेरे स्टूडेंट्स ने भी इतना कमाया। तो अब इसी टॉपिक पे हम लोग आज की इस वीडियो पे दोनों मिलकर बात करेंगे। आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे क्या यूट्यूब कोर्स हमें खरीदना चाहिए, क्या आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए कोर्स लेना जरूरी है या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो वीडियो को देख सकते हैं एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सर, थोड़ा सा आप अपना ओपिनियन पहले रखिए। देखिए, आज हम इस पर भी बात करेंगे और एक ये भी बात करेंगे कि भाई अपन दोनों पागल हैं क्या, हम क्यों नहीं बनाते कोर्स। ये भी बात सही, तो कमाई का अच्छा जरिया है और हमारा आज के डेट पे अच्छा खासा लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग व्यूज भी आ रहा है। मेरे से तो कई लोगों ने कहा कि सर आप अपना कोर्स क्यों नहीं निकालते, आपसे भी कहते होंगे। तो भाई आपको क्या लगता है हम लोग पागल हैं, हम क्यों नहीं बनाते कोर्स। तो कहानी ये है मनोज भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, आपने अपना चैनल अभी इतने 3.67 मिलियन पे खड़ा किया, कोई कोर्स बाय किया था? नहीं सर, कभी नहीं, हमने भी कोई बाय नहीं किया। अच्छा, जो भी लोग कोर्स बेचते हैं क्या उन्होंने कोई कोर्स बाय किया? ये सर बहुत बड़ा फैक्ट आपने बता दिया, मतलब नहीं किया ना कोई भी। नहीं, जो कोर्स बेच रहे हैं उन्होंने खुद ही कोर्स नहीं खरीदा है कभी। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर देखा जाए यूट्यूब टिप्स की अगर बात करें अपन, तो धर्मेंद्र सर माई स्मार्ट सपोर्ट के सबसे पुराने हैं। हाँ, जो यूट्यूब टिप्स की बातें करते हैं, यानी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यूट्यूब टिप्स उनसे ही सीखी होगी, उन्होंने खुद ने कोई कोर्स नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो आप? अगर सर ये चीज देखोगे ना, जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है आज के डेट पे, जो भी नाम हमारे दिमाग में आता है, किसी ने यूट्यूब कोर्स नहीं खरीदा, क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब कोर्स था ही नहीं। और फिर भी लोग सक्सेसफुल हो गए, मोबाइल से ही सब लोग सक्सेसफुल हो गए। बिल्कुल सर, यानी कुल मिला के सही बात यह है कि यूट्यूब पर सफल होने के लिए कोर्स की जरूरत ही नहीं है। तो भाई फिर कोर्स लोग क्यों बेच रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? तो सीधी सी बात है, कोर्स बेचने से आती है इनकम, अच्छी खासी इनकम आ जाती है भले, और सब मतलब आज के दुनिया में सब तो पैसे के। हाँ, आप सोचो ना, 300 रुपए का भी अगर आपने कोर्स बेचा, आज एक बार बताओ आपने कोर्स निकाला, सपोज 300 रुपए का निकाला, आप कितना कोर्स बेच दोगे? 20-25 हजार बेच ही दोगे। 1 लाख तो सर कहीं नहीं जाएगा मुझे। 1 लाख का 300 से आप गुना कर लो, लाखों रुपए में पैसा हो जाता है, 3 करोड़ रुपए। अब इतना जब पैसा आ जाएगा तो इजी है ना। कोर्स में क्या है भाई, वीडियोस बना दिया आपने एक बार, बस एक बार स्टॉक कर दिया पूरा, मतलब क्या एडसेंस मोनेटाइज करेगा, क्या कुछ करेगा, सीधा पैसा आ रहा है। तो कुल मिला के, और आजकल मैं 300 रुपए बहुत कम बताया है, लोग 20-20 हजार तक का कोर्स बेच रहे हैं। 20 हजार में बिक रहा है, सही बात है, बिक रहा है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि यूट्यूब कोर्स बेचने वाले का उतना मिस्टेक नहीं है, खरीदने वाले का मिस्टेक है। अब ये बात आ गई पॉइंट वाली, जो बेच रहे हैं सर वो एक तरह से कुछ गलत नहीं कर रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खरीदने वाला गलत है ना। सही बात, क्योंकि उनको ये चीज पता है, जो हमने अभी तक बताया वो चीज उन्हें भी पता है कि exactly यूट्यूबर बने हुए हैं कि उन्होंने कभी कोर्स वगैरह कुछ लिया ही नहीं, और उनको ये भी बात पता है कि जो कोर्स में मिलेगा वो चीज ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं। यूट्यूब पे वो सब अवेलेबल है जो कोर्स में ऑलरेडी है, ऑलरेडी ऐसा कुछ है ही नहीं जो यूट्यूब में के कोर्स में मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पर नहीं है। बस एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो हर एक चीज है ना, छोटा छोटा चीज मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर के वीडियो कैसे। अरे कोई आपकी और मेरे चल के अगर प्लेलिस्ट देख लेगा, हाँ, उस जरूरत नहीं किसी को। आपके चैनल पर सर कितने वीडियोस है टोटल? 2000 से ज्यादा है, 2000, मेरा भी 1500 के करीब है। अब इतने वीडियो पड़े हुए हैं, प्लस उसमें भी हम लोगों ने तो प्लेलिस्ट भी बना दिया है, मैंने भी एक बना कर रख दिया है, 28 वीडियोस है फॉर न्यू यूट्यूबर्स। हाँ, मैंने भी बना दिया, मैंने तो क्रिएटर गाइड नया चैनल ही खोल दिया, बेसिक चीज बताऊंगा, छोटी छोटी बेसिक चीज उसमें आ जाता है। तो मतलब हर एक चीज फ्री में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोगों को कोर्स लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेचने वाला, हमारे अनुसार बेचने वाला गलत सही है, बिल्कुल सही, खरीदने वाला गलत है। खरीदने वाला इसलिए गलत है क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों को उसी चीज से खुशी मिलती है। अच्छा, मेरे को आप एक बात बताओ कि यूट्यूब कोर्स जब बच्चा खरीदता है, क्या सोच के खरीदता है, उसके दिमाग में क्या होता है कि अगर मैं मान लो 10 हजार रुपए का कोई कोर्स खरीद रहा हूँ, क्या मिलेगा इससे आउटपुट, क्या रहता है उसके दिमाग में आपके हिसाब से? आपसे काफी लोग मिले होंगे ना, भाई मुझे कोर्स खरीदना है। कई लोग मुझसे कहते हैं सर उसका कोर्स खरीद लूँ क्या, उसका कोर्स खरीद लूँ क्या, मेरा चैनल चल नहीं रहा, क्या रहता है दिमाग में आपके हिसाब से? यहाँ पर शायद सर दो प्रकार का इंसान होगा, दो प्रकार का थॉट होगा इंसानों में। एक होता है ना, देखिएगा मैंने ये चीज़ देखा हुआ है कि उनका चैनल जैसे मोनेटाइज करना है, मान लीजिए वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट हो गया, चैनल मोनेटाइज करना है, तो मोनेटाइज करने के लिए ज़्यादा प्रोसेस नहीं, 2 मिनट का काम होता है, 2 मिनट का टर्म्स एंड कंडीशन आता है, एक्सेप्ट कीजिए, एडसेंस के साथ लिंक कर दीजिए, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इस पर वीडियो ऑलरेडी है, काफ़ी सारे वीडियो। तो क्या होता है कि मेरे घर के पास आते हैं लोग,
ठीक है। अब बोलते हैं ना सर चैनल मोनेटाइज करवाना है, बोले भाई मेरे पास उतना समय नहीं, मैं आपका चैनल यहाँ पर मोनेटाइज करूँ, वीडियो है चैनल पर जाकर देखकर करूँ, मेरा देखो काफ़ी सारे यूट्यूबर। तो बोला नहीं, डर लगता है ना अगर मान लीजिए कुछ गलत कर दी तो। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक प्रकार का इंसान वो है जो डरता होगा कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, जबकि सर उन्हें समझना चाहिए यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, इंस्टा पे फोटोज वीडियो डालते हो, ठीक है, रील्स डालते हो, फेसबुक है, तो उसी तरह की यूट्यूब भी तो सोशल मीडिया। और अगर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने में इतना डर रहे हो तो फिर क्या ही यूट्यूबर बनोगे, तो फिर क्या ही यूट्यूबर बनोगे, यही बात है। तो एक इस प्रकार का लोग हो सकता है कि कोर्स खरीदता होगा कि हम कोर्स खरीद लेंगे तो क्या होगा, उनके टीम के साथ मेरा बात होगा और वो लोग सब मेरा कर देगा, हम तब ऐसा होता नहीं पड़ेगा, तब क्या ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा जबकि ऐसा होता ही नहीं, क्या ही कर देगा वो। सही बात, चैनल बनाना तो जीमेल गूगल अकाउंट से चैनल बन जाता है ना, तो कुछ तो करना नहीं। और एक प्रकार का वो इंसान होगा जिनको लगता है कि कोर्स खरीद लेने से ही हम यूट्यूबर बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकते, सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। और कोर्स खरीद रहे हैं तो कोर्स जो बेच रहा है वो हमें कुछ ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताएगा शायद कि हम ग्रो कर जाएंगे, जो हम लोग नहीं बताते, उन्हें ऐसा लगता होगा। मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे ऐड देखे हैं कि लोग बता रहे कि मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पर कैसे सफल होते हैं, आप हमारा कोर्स खरीद लो। मैं उस बंदे के कोर्स जो बेच रहा है ना उसके ही चैनल पे जाता हूं, उसके खुद के 200 सब्सक्राइबर है, क्या बताएगा भाई वो। यानी कुल मिला के लोग एक तरीके से कोर्स के नाम पे सपने खरीद रहे हैं, उनको लगता है कि मैं कोर्स खरीदूंगा मैं करोड़पति बन जाऊंगा, यूट्यूब पे सफल हो जाऊंगा। तो भाई पहली बात तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको यूट्यूब सीखना है, आप वीडियोस देखो, खुद से करो, और खुद से सीखोगे तो ज्यादा सीख पाओगे। फिर भी एक चीज और भी है, कुछ लोग कोर्स खरीद के खुश भी हैं। हाँ, अभी कोर्स खरीद के मैं कई बार लोगों को बोलता कोर्स मत खरीदो तो मेरे को ही बोल देते हैं भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, वो कमा रहे हैं, वो बेच रहे हैं, वो कमा रहा है, बोलता है आप जलते हैं उनसे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कोर्स हमको काफी बेनिफिट होगा। एक लड़की मेरी फ्रेंड है, उसका काफी टाइम से चैनल पे वो काम कर रही है, मैं उसको जो बता रहा हूँ वो कर ही नहीं रही। एक दिन मेरे से आगे कहते हैं मैं उसका कोर्स खरीद लूँ क्या, इससे सफल हो सकती हूँ। मैं चक्कर में पड़ गया, भाई क्या मेरे से भी ज्यादा बता देगा वो तुम्हें कोर्स में। तो कुल मिला के लोग कोर्स में ड्रीम खरीद रहे हैं, तो ड्रीम बिल्कुल मत खरीदो। अगर आपको सच में यूट्यूब सीखना है आप यूट्यूब से सीखो, लेकिन अगर आपके पास पैसा बहुत है, मतलब बहुत पैसा है, एक ऐसा सीन है ना, एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा, मतलब खाना परोस के रखा हुआ प्लेट में, तो एक इंसान है जो खुद के हाथों से खाना चाहता है और एक इंसान है कि उसको अपने हाथों से खाना तक नहीं है, उसको कोई खिला दे। तो जैसे कि वीडियो सारे पड़े हुए हैं, मतलब खाना बना हुआ है, अब कुछ लोग हैं कि उनको अपने हाथ से खाना तक नहीं, मतलब उनको थोड़ा बहुत रिसर्च भी नहीं करना है, वीडियोस देखना भी नहीं है, और पैसा भी सब कुछ कर दे, तो सब कुछ जब कर दे तो फिर कोर्स ले रहा है, फिर कोर्स लेगा। तो फिर तो अपन भी एक कोर्स बना देते हैं ऐसे लोग, तो फिर ये करना चाहिए सर कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे पास ये मैंने अभी वीडियो बना के मैंने रखा हुआ है। एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेसमैन आए हुए थे मेरे घर पे दिल्ली से, उनको यूट्यूब करना था, तो वो आए तो बोले कि देखिए आपके चैनल पे तो 1500 वीडियो है। अब मैं हूँ एक बिजनेसमैन, मेरे पास समय नहीं रहता, मैं 1500 वीडियो में कौन सा इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन सा देखना चाहिए, मेरे पास उतना समय नहीं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो आप कोर्स क्यों नहीं बनाते हैं आप, वो मुझे ऐसा बोला। मैंने वीडियो बना के रख लिया उनका वो फीडबैक, पर आप कोर्स बनाइए ना, हम लोग कोर्स खरीदेंगे क्योंकि हमें एक जगह में वो चीज़ चाहिए। मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि आप अपना कोर्स क्यों नहीं बनाते, लेकिन एक चीज बता दे, अगर हम ऐसा तो अभी हमारा कोई कोर्स बनाने का प्लान नहीं है, प्लान नहीं है, लेकिन कभी फ्यूचर में हुआ तो भाई हम सपने तो नहीं बेचेंगे कम से कम। और हम आप सर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि कोर्स खरीदिए, प्लस हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे आप कोर्स खरीद के ही यूट्यूबर बन सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन काफी लोगों को अगर आपका टाइम कम है, पैसा है, जल्दी सब कुछ चाहिए, साड़ी में चाहिए, तो आप कोर्स ले सकते हैं। अगर कभी प्लान बना तो आपको बताएंगे और मिलके बनाएंगे भाई, ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि आप अगर कभी भी कोई कोर्स खरीदे, चाहे वो यूट्यूब बनने का हो, बिजनेस में सफल होने का, कुछ भी हो, कोर्स खरीदो सीखने के लिए, और सीखने के लिए आप यूट्यूब पे भी टाइम दे सकते हो। सपने मत खरीदो, क्योंकि जब आप सपने खरीदते हो फिर आपके सपने टूटते हैं, तो जो आपके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है और फिर आपने यूट्यूबर बन के पैसा ही कमाना है, और पैसा उसमें पहले ही आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर भी आप नहीं बने, तो आपका दिल भी टूट जाएगा और यूट्यूब से भरोसा उठ जाएगा। बिल्कुल सर। तो भाई साहब मेरा तो एक ही लास्ट इसमें कहना है कि आप कोर्स खरीदना है, इससे अच्छा आप सीख लो यूट्यूब से ही, और कोर्स को कोर्स की तरह देखो, सपने की तरह मत देखो। आप ये देखो, कुछ लोग MBA करके भी पैसे नहीं कमा पा रहे बड़ी बड़ी कॉलेज से, तो आप कोर्स करके कैसे सफल हो सकते हो, यानी कोर्स करके सफल होना बहुत अलग बात है। तो सर करोड़ों रुपया कोर्स के नाम पे पैसा लेके भाग गए। हाँ, ये भी है, बहुत सारे लोग तो कोर्स के नाम पे करोड़ों रुपया लोगों से कलेक्ट करके भाग गए। तो मेरा तबाही मचा दूंगा, आप कोर्स खरीद लो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं क्या ही बना दूंगा, उसके बाद कहां गायब। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर चलो मान लो अपन ये कोर्स बनाए और 50,000 लोग हमसे कोर्स खरीद ले, क्या हम सबको प्रो यूट्यूबर बना सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता ये सर, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यूट्यूबर आदमी अपनी मेहनत से बनता है, अपने डेडिकेशन से बनता है, अपने फोकस से बनता है। हम सिर्फ उसे गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं,
तो मेरा यहाँ लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि भाई कोर्स अगर खरीदते हो तो एक बार जरूर सोचना, आपके पास सर बहुत पैसा है आप कोर्स खरीदो, हाँ ये बोल, सपने बिल्कुल मत खरीदो, है कि नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ पे लोगों का क्या थिंकिंग है, लोग कई बार है ना, एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं, अब जैसे थंबनेल है आपका मेरा सेम सा रहता है, अच्छा इस पर भी बात कर लेते हैं जब बात ही चल रही है, तो इस पर भी लोगों का अलग अलग थिंकिंग, मतलब लोग अपने हिसाब से थिंकिंग बनाते हैं। हाँ। एक भाई साहब आपके कमेंट पे जाके कहता है आप टेक्निकल योगी का थंबनेल कॉपी करते हो, और आपको लिखता है मेरा कि मैं कॉपी करता हूँ। भाई दोनों को बता दूं, हम दोनों का थंबनेल बनाने वाला एक ही बंदा है, एडिटर जो है जो थंबनेल बनाता है उनका नाम है अमरेंद्र, और दोनों का एडिटर सेम ही है, तो बस वो थोड़ा हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यूट्यूब से सीखिए यार, और यूट्यूब से सीख के अपना डैडी केट होकर एकदम बढ़िया वीडियोस बनाइए, फोकस रखिए, आप ऐसे ही सफल हो जाएंगे। चलिए बस आपको अवेयर करना था, बाकी अपना फीडबैक आप लोग कमेंट पे देना, हाँ कि हमको कोर्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, हाँ इसमें अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो ही हम सोचेंगे कि हम कोर्स बनाएं या नहीं बनाएं। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।